वहाँ पर दिया गया है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल। इसमें भी वही सेम कहानी है कि दो सेट को आपको इक्वल पहचानना है। कैसे पहचानेंगे इक्वल? वही सेम नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें रहना चाहिए, है ना। जो एलिमेंट ए में है वही सेम एलिमेंट ऑफ सेम एलिमेंट मेरा सेट बी में होना चाहिए, वही मेरा होता है इक्वल सेट, ठीक है। केवल नंबर सेम नहीं होना चाहिए, केवल नंबर अगर सेम हो गया तो मेरा इक्विवेलेंट सेट हो जाता है। मैंने बता के रखा हुआ, ठीक है, कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर दो सेट, कोई दो सेट है उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मेरा सेम हो जा रहा है तो मेरा इक्विवेलेंट सेट हो जाता है। जैसे कि सेट ए कुछ भी है इस तरह से ए बी सी और डी, और फिर कुछ सेट बी है और वो सेट मेरा 1, 2, 3 और 4 है, तो ये दोनों ही सेट इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन यहाँ 1 है तो यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ डी है तो यहाँ डी नहीं है, ठीक है। तो ये वहाँ पर मैंने बता करके रखा है, नहीं देखे हुए हैं तो यूट्यूब पर सर्च करिए टाइप ऑफ सेट बाय वर्ल्डीज अकेडमी, वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाने वाला है, ठीक है। 5 का फर्स्ट है मेरा सेट ए दिया गया है 2, 3, सेट ए मेरा ये दिया गया है 2 और 3, और सेट बी दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन, एक्स जो है वो मेरा सॉल्यूशन है और वो इक्वेशन दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन, और वो इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन और इसका ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर एक्स का तो मेरा 2 वैल्यू आने वाला है, तो मैं चेक कर लेता हूँ कि इसका क्या क्या आने वाला है, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म इसको स्प्लिट करिएगा तो ऐसा होगा, यहाँ से x कॉमन तो x + 3 यानी कि +2, यानी कि एक मेरा x + 2 आएगा, एक मेरा x + 3 आएगा, ये इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x + 2 इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो x + 3 इक्वल टू 0 होगा। तो x = 1 निकला मेरा -2 और 1 निकला मेरा -3, एक निकला -2 एक निकला -3, यानी कि जो मेरा सेट बी होगा, सेट बी जो होगा उसको मैं अगर बदलूँ तो वो होगा रोस्टर फॉर्म में, तो वो कुछ ऐसा होगा, इसमें मेरा है 2 और 3 और इसमें मेरा है -2 और -3, क्या ये दोनों सेट इक्वल होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो मेरा सेट है वो मेरा हो गया नॉट आर इक्वल सेट। इसके बाद मेरा सेकेंड नंबर है, ठीक है, इसके बाद मेरा सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर में ये कहा गया है कि x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो, एक वर्ड हमको दिया गया है फॉलो, ठीक है, एक वर्ड हमको दिया गया है फॉलो, फॉलो ये एक वर्ड है, और इसका जो सेट होगा कह रहा है कि वो इक्वल होगा एक वर्ड का सेट है मेरा उल्फ, ठीक है, इसका सेट क्या होगा, और एक डब्ल्यू ओ एल एफ वर्ड है इसका सेट क्या होगा, और कह रहा है इस दोनों ही सेट का, ये इसका सेट और इसका सेट दोनों ही सेट इक्वल होंगे, ये कैसे होगा? देखिए इसको मैं सेट ए मान लेता हूँ, ठीक है, ये ए है, तो सेट ए कितना होगा, एफ होगा, ओ होगा, ओ दो जगह है लेकिन एक बार लिखेंगे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और एक डब्ल्यू होगा। उसी तरह से सेट बी अगर मैं देखूँ तो एक F होगा, O होगा, L होगा और W भी होगा, यानी कि ये सेट बिल्कुल इक्वल है, W है, L है, O है, F है, इसका भी सेट वही आया और इसके सेट में भी वही सेम एलिमेंट आया, यानी कि दोनों ही सेट का मेरा एलिमेंट सेम है, तो ये जो मेरा सेट होगा वो होगा मेरा। Walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way.